हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर के क्लास 10 में आपका स्वागत है। मैं केसी मिश्रा आज वाच्य बिंदु पर चर्चा करूंगा। छात्रों, आपके पाठ्यक्रम में वाच्य से संबंधित 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और यह बहुत ही आसान चैप्टर है। थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है और जो छात्र ठीक ढंग से अनुवाद बनाना जानते हैं उनके लिए तो और भी आसान है। तो आपके एग्जाम में 3 नंबर पूरे के पूरे आ जाएं, इसके लिए इसको थोड़ा सा हम समझेंगे और उस पर ध्यान देंगे। वाच्य क्या है, वाच्य किसे कहते हैं, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे और इसको समझने के लिए छात्र यहां हमने 3 एग्जाम्पल लिखा है। दूसरा और ये है तीसरा, ठीक है। आप ये 3 जो एग्जाम्पल यहां मैंने लिखा है इसको आप ध्यान से देखिए। यहां लिखा है राम पुस्तकम पठति और यहां लिखा है तेन वृक्ष दृश्यते और यहां लिखा है मया हस्यते। ये 3 यहां एग्जाम्पल हैं, इसको आप ध्यान से देखिए छात्र। अब इसके अर्थ को हम समझते हैं कि राम पुस्तकम पठति, इसका मतलब हो गया हुआ कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम किताब पढ़ता है, ठीक है। इसका हम अगर अर्थ को समझते हैं तो ये लिखा है तेना वृक्ष दृश्यते। तेना जो है कहां मिलेगा आपको, तद शब्द के तृतीय एकवचन में मिलेगा, सर्व कौते तम कौता तेना, तेना तृतीय विभक्ति मिलेगा और तेना जैसे ही कहते हैं तो यह करण कारक को इंडिकेट करता है और करण कारक का चिन्ह क्या है छात्र, से या द्वारा। तो तेना का मतलब हो गया कि उससे या उसके द्वारा, है ना, उससे या उसके द्वारा। वृक्ष मतलब वृक्ष दृश्यते, देखा जाता है। और यहां है, यहां में भी देखिए छात्र, यहां मया हस्यते, यहां देखिए मया अहम अस्मत् शब्द का रूप है और इसका तृतीय एकवचन में आप देखेंगे तो क्या आएगा, अहम अवाम वयम माम अवाम अस्मान मया। मया का मतलब हो गया मुझसे या मेरे द्वारा, इसका मतलब हो गया मुझसे या मेरे द्वारा, कर्म कारक को इंडिकेट कर रहा है तो मेरे द्वारा फंसा जाता है। इसका ये अर्थ हुआ, ये 3 जो उदाहरण है, 3 जो वाक्य यहां हमने लिखा छात्र, उसका ये अर्थ हुआ। यहां राम पुस्तक पढ़ता है, यहां देखिए अब ये तीनों में चेंजिंग क्या हो रहा है, इसको देखिए ये तीनों में क्या क्या बदल रहा है। तो यहां देखिए राम यहां कर्ता, कर्तृपद है, कर्ता है, पुस्तकम यहां कर्म है और पठति क्या है, क्रियापद है, ठीक है। यहां कर्ता पद में क्या है, तेना है, तेना कर्ता पद है और वृक्ष जो है कर्म पद है लेकिन इसमें प्रथमा विभक्ति लगा हुआ है और ये दृश्यते आ गया कि ती है, ते है और मैं, ये दोनों समान है, ये क्रियापद और ये क्रियापद दोनों समान है लेकिन यहां का क्रिया चेंज है, क्रियापद क्या है, बदला हुआ है। अब छात्र देखिए कि यहां जो हम अनुवाद का जो है जो नियम जानते हैं उसमें क्या है कि किसी भी अनुवाद को हम बनाते हैं तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्तरी प्रथमा सूत्र अनुसार है, सूत्र क्या है कर्तरी प्रथमा, तो यहाँ कर्ता कारक कौन है, राम है, तो इसमें हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे, राम लगाएंगे, ठीक है। और यह कर्म क्या है, पुस्तक, तो कर्मणि द्वितीय, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति लगाते हैं, द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, तो पुस्तकम पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि,
अब पुस्तकम पुस्तक पे पुस्तकानी द्वितीय में एक वचन है, अगर दो रहता है तो पुस्तकें लिख दे। तो कर्म के अनुसार ये जो है इसमें द्वितीय विभक्ति लग गया, और एक क्रियापद जो है इसके अनुसार कर्ता के अनुसार क्रिया बदलेगी। यदि कर जिस पुरुष और वचन का कर्ता हो तो क्रिया भी उसी पुरुष और वचन का लिखते हैं, ये अनुवाद का सामान्य नियम है और ये सभी छात्र जानते हैं, जो भी संस्कृत थोड़ा सा जानते हैं अनुवाद जानते हैं वे इस सामान्य नियम को अवश्य जानते होंगे। अब छात्र देखिए यहाँ है राम पुस्तक पढ़ता है और यहाँ है तेन वृक्ष दृश्य थे, उसके द्वारा वृक्ष देखा जाता है और मेरे द्वारा हंसा जाता है। अब यहाँ देखिए कर्ता में कौन को लग गया, तृतीय विभक्ति लग गया, और यहाँ वृक्ष में प्रथमा विभक्ति लग गया, और ये क्रिया जो है क्या हो गया, ये छात्र आत्मने पदी हो गया, और यहाँ भी कर्ता में तृतीय विभक्ति लग गया और ये भी जो क्रियापद है वो आत्मने पदी है। अब छात्र आपको यह कंफ्यूजन होगा कि सर आत्मने पदी और परस्मय पदी ये क्या है। तो छात्र देखिए धातु दो तरह के होते हैं, धातु क्या है, धातु ये है जिनसे क्रियाएं बनती है, धातु तो आप जानते हैं किसको कहते हैं, जिनसे क्रिया बनाए जाते हैं, तो भू हो गया धातु, भवती भवता भवंती एक क्रियापद हो गया, गण हो गया धातु, गच्छति गच्छत गच्छन्ति एक क्रियापद हो गया, खाद हो गया धातु, खादति खादता खादन्ति एक क्रियापद हो गया। तो इस तरह से कई धातुएं हैं और उसे क्रियापद बनाए जाते हैं। तो क्रियापद मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, आत्मने पदी और परस्मय पदी। तो छात्र यहां मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता देना चाहता हूं कि अब आत्मने पदी क्रिया किसको कहेंगे और परस्मय पदी क्रिया का किसको कहेंगे। कि तो छात्र आप ये समझिए कि अपना हित या अपने भलाई के लिए कोई कार्य किया जाए, ऐसा कार्य जो अपने हित के लिए या अपने भलाई के लिए किया जाए उसे हम आत्मने पदी क्रिया कहेंगे। आत्मने पदी जैसे ही कहते हैं, जैसे ही आत्मने कहते हैं तो उसमें जो आत्म शब्द है उसका मतलब होता है स्वयं के लिए, अपने लिए। इसको ध्यान से समझिएगा, आत्मने आत्मना मतलब अपने लिए, अपने को के लिए है ना, तो इसीलिए उसका नाम आत्मने पदी हो गया। अब परस्मय पदी क्रिया उसको कहते हैं कि जब कोई काम दूसरों के हित के लिए या भलाई के लिए किया जाए तो उसको हम परस्मय पदी क्रिया कहते हैं। अब इस परस्मय पद जो शब्द है इसमें आप देखिए परस्मय पर का मतलब क्या होता है, दूसरा, पर का मतलब दूसरे के लिए, परदेश मतलब दूसरा देश है ना। तो परस्मय पदी ऐसे क्रिया जो दूसरों की भलाई के हित के लिए किया जाए तो उसको हम परस्मय पदी कहेंगे, और जब वैसी क्रिया जो अपने हित या स्वार्थ के लिए किया जाए तो उसको हम आत्मने पदी क्रिया कहेंगे। तो यहाँ देखिए ये छात्र जो है ये आत्मने पदी क्रिया। अब आपके दिमाग में यह जो है कंफ्यूजन बन रहा होगा कि सर हम कैसे समझेंगे कि हम कोई काम अपने लिए कर रहे हैं या हम कोई काम दूसरा के लिए कर रहे हैं। तो आप एक यहाँ एग्जाम्पल देखिए छात्र, यहाँ मैं लिखता हूं कि रामन पुस्तकम क्रीणाति, यहां लिख दिए रामन पुस्तकम क्रीणाति, और मैं इसी को लिखता हूं कि रामेण पुस्तकम क्रीणीते। अब ये वाक्य को समझिए, इस ध्यान को, ये दोनों वाक्य जो है इसको आप ध्यान से देखिए, राम पुस्तकम क्रीणाति इसका मतलब है कि राम किताब खरीदता है। अब राम किताब खरीदता है तो यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि राम अपने लिए किताब खरीद रहा है या दूसरों के लिए किताब खरीद रहा है। हो सकता है मैं किताब खरीद रहा हूँ तो आपके लिए भी, अपने भाई के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी। तो यहाँ जो क्रीणाति पद है ये परस्मय पदी क्रिया है, ठीक है, और क्योंकि राम पुस्तक खरीदता है, राम पुस्तक खरीदता है तो क्लियर नहीं है कि वो अपने लिए खरीदता है कि दूसरों के लिए नहीं खरीदता है, खरीदता है। लेकिन जब ये दूसरा वाक्य आप देखेंगे कि रामेण पुस्तकम क्रीणीते, यानी राम के द्वारा पुस्तक खरीदा जाता है, तो यहाँ क्लियर होता है कि मेरे द्वारा अगर कोई सामान खरीदा जाता है तो वह मेरे लिए यूज के लिए खरीदा जाता है, मैं अपने लिए वहां काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो है रामेण पुस्तकम क्रीणीते, क्रीणीते जो क्रियापद है
अब ये जो प्रेरित क्रियापद है ये हो गया आत्मनेपदी, क्योंकि यहाँ जो खरीदने की बात हो रही है मैं अपने लिए खरीद रहा हूँ। देखिए यहाँ जो वाहन खरीद रहा है यह क्लियर नहीं है जो अपने लिए खरीद रहा है कि दूसरे के लिए, इसलिए ये क्रिया क्या है परस्मै पदी। और छात्र अब ये ध्यान दीजिए कि ऐसा जहाँ भाव हो, ऐसे नहीं कि ग्रामर के बुक में या कोई सर बनाने के लिए लिख दे दिए ट्रांसलेशन तो हम उसको उसी तरह बनाते रहे, नहीं ये भाव पर निर्भर करता है। जब यह भाव आपका है कि वह काम हम अपने लिए कर रहे हैं तो आत्मनिपदी क्रिया का प्रयोग करेंगे, और जब वह काम जो है दूसरों के लिए किया जा रहा है तो वहां परस्मै पदी क्रिया का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रखेंगे ऐसे है कि नहीं कि, क्योंकि उससे वाक्य क्या है ये क्या है, ये आप अपनी भावनाओं को स्पष्ट करते हैं कि आपके अंदर क्या भाव है, इसको आप लिख करके बोल करके वाक्य के द्वारा आप स्पष्ट करते हैं उसको, तो अस्पष्टता में किसी तरह का विभेद ना हो, जो आपका भाव है वही भाव प्रकट हो, इसके लिए ये व्याकरण के नियमों को ध्यान रख करके कोई भी वाक्य बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए छात्र, यहाँ क्रिया का क्या हो रहा है पर चेंजिंग हो जा रहा है, तो हम यह कह सकते हैं अगर, और दूसरा बात है कि वाक्य भी लिखने की शैली को हम यहाँ वाक्य भी देखिए, दोनों वाक्य है राम पुस्तक खरीदता है और राम के द्वारा पुस्तक खरीदा जाता है, यह वाक्य लिखने का एक शैली भी है। तो दो तरह की बातें छात्र, ये जो है ये जो आपका एग्जाम्पल में दिया और इसको जो मैं समझाया, इसमें दो तरह की बातें निकल करके आती है। पहला क्या है, क्रिया का चेंजिंग हो रहा है, क्रिया पद बदल रहा है, और दूसरा क्या है, थोड़ा वाक्य लिखने का जो है ढंग भी बदल रहा है। तो छात्र हम वाक्य की परिभाषा इन एग्जाम्पल से निकाल सकते हैं कि क्या है, क्रिया के रूपांतरण को वाक्य कहते हैं। एक परिभाषा ये निकल गया कि क्रिया के रूपांतरण को वाक्य कहते हैं, और दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि वाक्य निर्माण की शैली को वाक्य शब्द, वाक्य निर्माण, वाक्य निर्माण की शैली को वाक्य कहते हैं। ये आपका विवेक से निकला हुआ एक डिफिनेशन है। अब ऐसा नहीं हो कि आपका इससे मिलता जुलता है डिफिनेशन किताब में मिले, नहीं भी मिले तो भी ये परिभाषा या जो डिफिनेशन हम लोग निकाले हैं यह चर्चा के बाद, तो ये 100% सही है। अब छात्र यहाँ देखिए, ये तो वाक्य आ गया समझ में। अब छात्र वाक्य जो है ये तीन भेद होते हैं, वाक्य के तीन भेद होते हैं, कौन कौन, अस्त हो गया, कर्तृवाच, दूसरा हो गया कर्मवाच, और तीसरा हो गया भाववाच। ये तीन भेद है था, वाच के कितने भेद हैं, थ्री काइंड्स, तीन भेद है ना, कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच। अब इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसके सब एक एक लक्षण को आप दिमाग में बिठा लीजिए कि कर्तृवाच किसको कहेंगे, तो जिसमें कर्ता की प्रधानता हो उसको कर्तृवाच कहेंगे, कर्मवाच किसको कहेंगे, तो जिसमें कर्म की प्रधानता हो उसको हम कर्मवाच कहेंगे, और भाववाच किसको कहेंगे, जिसमें भाव की प्रधानता हो उसको भाववाच कहेंगे। आप छात्रों यहां जो है आपको जो पाठ्यक्रम जो आपका दिया गया है उसमें कर्तृवाच से कर्मवाच को पढ़ने के लिए दिया गया है, तो कर्तृवाच से कर्मवाच कैसे बनाएंगे हम इस पर चर्चा करेंगे, इसको आप ध्यान से सुनेंगे। अब यहां देखिए हम कर्तृवाच में एक एग्जांपल लिखते हैं कि मोहन पुस्तकम पठति,
ये हो गया कर्तृवाच का एग्जाम्पल, मोहना पुस्तकम पठती। और कर्मवाच में हो गया यही मोहने न पुस्तकम पठ्य। अब यहां ध्यान दीजिए छात्र, अब यहां देखिए कि कर्तृवाच में यहां कर्ता ये है, ये कर्म है और ये क्रियापद है। यहां कर्ता है, ये कर्म है जो आपका कर्ता के रूप में आएगा और ये पठ्यते है क्रियापद। आप देखिए तो कर्तृवाच में क्या है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार। यानी कि जिस पुरुष और जिस वचन का कर्तृपद रहेगा क्रियापद उसी के अनुसार होगा। जब इस कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य में बदलते हैं, जब उसको हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करते हैं तो छात्र क्या होता है, कर्ता में तृतीय विभक्ति लग जाती है। मोहना मोहनो मोहना मोहनो मोहनो मोहना मोहने न मोहने न, यहां देखिए। और कर्म में प्रथमा विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया किसकी हो जाता है, अब इसके अनुसार क्रिया बदल जाता है कर्म की प्रधान। छात्र मैं पहले ही बताया कि कर्म वाक्य में कर्म की प्रधानता रहती है, तो क्रिया किसके अनुसार बदलेगा, कर्म के अनुसार बदलेगा। इसके अनुसार यहाँ क्रिया किसके अनुसार बदला, इसके अनुसार कर्ता के अनुसार। कर्तृवाच में क्रिया कर्ता के अनुसार और कर्मवाच में क्रिया कर्म के अनुसार। अब यहाँ कर्म देखिए क्या है, पुस्तक है तो पुस्तकम है एक वचन। अब यहाँ कंफ्यूज मत कर जाइएगा कि क्योंकि एक वचन में भी पुस्तकम होता है और द्विवचन में भी पुस्तकम होता है, तो आपको कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ भी आप पुस्तकम लिख दिए यहाँ भी पुस्तकम लिख दिए तो दोनों में अंतर कहाँ होगा। तो छात्र आप पुस्तक का रूप जब पढ़ेंगे तो आप देखिए पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, आप पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, यानी कि प्रथमा विभक्ति में भी पुस्तकम और द्वितीय विभक्ति में भी पुस्तकम। इसके पहले जो मैंने एग्जाम्पल वृक्षा वाला इसीलिए दिया था क्योंकि उसमें क्या प्रथमा विभक्ति लगा हुआ है, और फिर इसको हम आगे समझेंगे। अब यहाँ पुस्तकम देखिए मोहने न पुस्तकम पठ्य थे। तो अब इसका ये जो दोनों एग्जाम्पल देखे उसमें कौन कौन सी बात समझ निकल करके आई, पहला अब कर्मवाच हमको बनाने हैं कर्मवाच के लिए, कर्मवाच के लिए पहला बात क्या आया कि कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। पहला बात कि कर्ता में क्या होगा, तृतीय विभक्ति होगा, ठीक है। दूसरा बात क्या होगा कि क्रियापद कर्म के अनुसार बदलेगा, क्रियापद कर्म के अनुसार होगा, ठीक है। और क्रियापद कर्म के अनुसार होगा तो यहां कर्म में लग जाएगा प्रथमा विभक्ति, ठीक है। और जिस पुरुष और वचन का कर्म पद होगा उसी के अनुसार यहां क्रिया भी होगी, ठीक है ना। तो दूसरा बात यहां है कि यदि क्रियापद कर्म के अनुसार बदलेगा, और तीसरा बात क्या होगा कि कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, क्या होगी कर्म में क्या होगी, प्रथमा विभक्ति होगी, ठीक है। और उसके बाद चौथा बात क्या हुआ कि क्रिया क्या होगा, क्रियापद क्या होगा, आत्मनेपदी होगा, क्रियापद चौथा हो गया कि क्रिया आत्मने पदी होगी जिसमें यह जोड़ते हैं, अब जिसे यह जोड़ते हैं। तो छात्र यहां देखिए यह हम कहां जोड़े,
इसका रूप जब आत्मनेपदी का रूप चलाएंगे तो उसका रूप पठेते पठेते पठनते ऐसे चलेगा रूप, लेकिन अभी होना चाहिए पठते पठेते पठते। तो अब यहाँ देखिए पठते में यह लग गया तो क्या हो गया पठ्यते हो गया, तो वही यह हम लिख दिए यहाँ की यह जोड़ देंगे, ठीक है ये जोड़ देंगे। तो छात्र इस तरह से आपका वाक्य जो है बनेगा, और इस इन चारों नियमों को जो है आप ध्यान से समझ लें याद कर लें। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि हम बताए थे कि आत्मनेपदी क्रिया परस्मैपदी क्रिया, तो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, अगर कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं छात्र जिनका रूप दोनों में चलता है, आत्मनेपदी में भी चलेगा और परस्मैपदी में भी चलेगा, तो उन क्रियाओं को हम उभयपदी कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्रिया कितने प्रकार के हो गए, तीन क्रियापद कितने प्रकार के हो गए, तीन प्रकार के हो गए आत्मनेपदी परस्मैपदी और उभयपदी। अब आत्मनेपदी में क्या आएगा, लव माने प्राप्त करना, सेव माने सेवा करना, वह माने वहन करना ढोना, सह माने सहना, वृद्ध मतलब वर्तमान रहना, वृद्ध मतलब बढ़ना, ये सब जो क्रियापद है आत्मनेपदी है। और परस्मैपदी में कौन सा आ जाएगा, क्रीड खेलना, खात खाना, पर पढ़ना, गम जाना, ये सब जो क्रियापद है वो क्या हो गए परस्मैपदी हो गए। और कुछ ऐसी क्रिया जो दोनों में चलते हैं उनको उभयपदी कहते हैं, तो उसमें क्या आ गया, भज माने भजना सेवा करना, पच पकाना, याच मांगना अपने लिए भी मांग सकते हैं दूसरों के लिए भी मांग सकते हैं, खाना अपने लिए भी बना सकते हैं दूसरे के लिए भी बना सकते हैं, बोलना पद यज यज्ञ करना, धी धारण करना, वह ढोना, राज मतलब शोभना, ये सब क्रियापद जो है ये उभयपदी क्रियापद है। तो छात्र आशा है कि आप इस वाक्य को समझ रहे होंगे, और इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पर अपना प्रॉब्लम भेजेंगे और उसका यथासंभव निष्पादन किया जाएगा। धन्यवाद।